नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हमने तीन मल्टीबैगर शेयर्स और जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है लिए हैं। पहला बिजली वितरण कंपनी का है जिसकी वैल्यूएशन बहुत चीप है, लगभग आधे दामों पर ही मिल रहा है। 3 साल में 875% का रिटर्न है इसका। बाजार के जानकार इसके बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे दाम बोल रहे हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। रिन्यूअल एनर्जी का शेयर है जिसके दाम 640 रुपए हैं केवल। आज 5% का इसके ऊपर कैप भी लगा हुआ है। एक वर्ष में 380% का रिटर्न दिया है। इसके दाम तो कई गुना बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक पेनी शेयर भी लिया है जो सिर्फ हल्का फुल्का आपका पोर्टफोलियो में रखने के लिए 1000-2000 रुपए उसमें लगा सकते हैं आप, तो वो भी अच्छा है फंडामेंटली। तो दोस्तों, आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर या स्वयं से रिसर्च करके इन शेयरों पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छे शेयर हैं, अच्छी रिटर्न दी है, तो अच्छे सेक्टर हैं, आने वाले समय में अच्छे पैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपकी एप्रिसिएशन हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें नई डायरेक्शन देती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। पहला शेयर हमने एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं हम। पहले हम बीएम बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। एल्कॉन इंजीनियरिंग भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजली ट्रांसमिशन और मटेरियल हैंडलिंग उपकरण बनाती है और बेचती है। इसके अलावा यह स्टील और अलो आयरन एंड स्टील फाउंड्री व्यवसाय में भी संलग्न है। पावर ट्रांसमिशन से 87% बिजनेस आता है। कंपनी भारत के मॉड्यूल डिजाइन अवधारणाएं कोर हार्डेंड ग्राउंड गियर टेक्निक पेश करने वाली पहली कंपनी थी, बहुत पाइनर कंपनी थी, 1960 की कंपनी है यह। मटेरियल हैंडलिंग उपकरण से इसका 13% मटेरियल आता है। कंपनी भारत में मैकेनाइज्ड बुलक मटेरियल हैंडलिंग उपकरण की अवधारणा को पेश करने वाली पहली कंपनियों में से एक है। पहले तो ये किसी को पता ही नहीं था भी ऐसे भी बुलक हैंडलिंग हो सकती है। कंपनी ने आज स्टील, बिजली, समुद्री रसायन, सीमेंट, कोयला आदि सहित कई उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में विस्तार किया है। फाउंड्री डिवीजन है इसका एक, जिसकी 8400 MTPA कैपेसिटी है और यह एल्कॉन इंजीनियरिंग को मशीनरी तथा अन्य जरूरतें पूरी करता है और अन्य कई कंपनियों को भी कास्टिंग और मशीनिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह एशिया के सबसे बड़े गियर निर्माताओं में से एक है। यह कंपनी भारत में बाजार हिस्सेदारी गियर्स की बात कर रहे हैं हम, बड़े गियर भारत में बाजार हिस्सेदारी 39% है। भारत में एकमात्र कंपनी है जो रक्षा के लिए जटिल गियर बॉक्स बनाने की क्षमता रखती है। भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं। भारत से 75% और एक्सपोर्ट से 25% इसका बिजनेस आता है। ग्राहक की बात करें तो इसके बहुत शानदार बड़ी कंपनियां हैं, अल्ट्रा टेक सीमेंट, ब्रिटिश स्टील, हेले, टेट्रापैक, अदानी, LNT, NMDC, सेल, भेल आदि। Q3 FY24 तक घोषित ऑर्डर बुक है जो 791 करोड़ की है। मार्केट कैप 14,950 करोड़ है। बुक वैल्यू 143 रुपए है। डिविडेंड 0.22% है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 31.30% है जो काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.50% है, यह भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। फेस वैल्यू 2 रुपए है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 55% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, 55% की CAGR से। इसके वार्षिक रिजल्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा ग्रोथ का पता चलेगा। March 2023 और March 2024 सेल है जो 1530 करोड़ से बढ़कर 1937 करोड़ हो गई,
ओपीएम 22% से 24% हो गया, ओपीएम का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। नेट प्रॉफिट 238 करोड़ से बढ़कर 356 करोड़ हो गया, काफी इंक्रीज है। ईपीएस 21.17 रुपए से बढ़कर 31.69 रुपए 69 पैसे हो गई है, रिजल्ट शानदार है। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सभी बढ़े हैं। शेयर कैपिटल केवल 22 करोड़ की है, ये इसलिए बताई है मैंने आज ताकि आपको पता चल सके कि बाजार में इसकी कितनी इक्विटी है। रिजर्व 1582 करोड़ के, बोरिंग 70 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट भी 286 करोड़ की है, कैश फ्लो प्लस 27 करोड़ है, प्रमोटर्स 59.28% है, एफआईआई 7.58% है, डीआईआई 2.29% है, पब्लिक के पास 30.84% है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, रादर कैश रिच कंपनी है। आज के दाम 1330 रुपए है, 52 वीक हाई एंड लो 1380 रुपए और 544 रुपए है। फेस वैल्यू 2 रुपए है, ईपीएस 32 रुपए है, पी 42 है, सेक्टर पी 109 है, बहुत चीप वैल्यूएशन है, सेक्टर पी से बहुत सस्ता मिल रहा है। बाजार के जानकार कहते हैं 2000 रुपए तक जल्दी ही जा सकता है, जल्दी ही शेयर का विभाजन भी हो सकता है, 1700 रुपए के लक्ष्य तक नहीं बेचना चाहिए, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। 1 महीने में 16%, 3 महीने में 45%, 1 वर्ष में 142% की रिटर्न दी है और 3 वर्ष में तो 875% के रिटर्न है। 1 वर्ष का अनुमान एक फॉरकास्टिंग कंपनी द्वारा 1636 रुपए लगाया गया है और 5 वर्ष का 2921 रुपए है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में यहां से लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा हमने शेयर लिया है एक जोडियक एनर्जी लिमिटेड, जोडियक JODIACE, जोडियक एनर्जी लिमिटेड के शेयर पर हम चर्चा करेंगे। यह कंपनी 1992 में निगमित हुई थी। जोडियक एनर्जी लिमिटेड सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के व्यवसाय में है। JDL अहमदाबाद स्थित एक ऊर्जा समाधान प्रदाता है। कंपनी अवधारणा से लेकर बिजली कंपनियों को चालू करने तक टर्नकी समाधान प्रदान करती है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, ईपीसी संचालन और रखरखाव OEM करती है। ईपीसी और OEM दोनों काम करती है। इसके जो आवासीय छत पर और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रूफ्स पर ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव प्रोजेक्ट्स लगाती है यह कंपनी। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और सेट जल, सौर जल विद्युतीकरण, LI बैटरी, EV चार्जर आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों पर भी काम शुरू किया है। ऐसा नहीं है चुपचाप बैठी है कंपनी नई टेक्निक्स में भी काम कर रही है। ग्राहक हैं इसके अमूल, बैंक ऑफ बड़ौदा, BSNL, चारूसेट, GSC बैंक, इसरो, LNT, SBI, टोरेंट पावर, टोयोटा, वोडाफोन आदि। बहुत शानदार कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। मार्केट कैप इसके केवल 931 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 32 रुपए प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26.20% है, जो काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 22.5% है, 50% है, जो काफी अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 28.60% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि 10 वर्षों में 42.40% की तुलना में बड़ी है। बारी रिन्यूएबल इंजीनियरिंग इंडिया इसकी पीयर कंपनी है। वारी रिन्यूएबल इंजीनियर्स इंडिया कंपनी ने बहुत ही शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की ग्रोथ समझने के लिए हम FY24 के नतीजे FY23 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। FY23 FY24 सेल है जो 46.92 करोड़ से बढ़कर 106.63 करोड़ हो गई। OPM 10.76% से बढ़कर से थोड़ा कम होकर 8.27 रह गया। नेट प्रॉफिट 2.95 करोड़ से बढ़कर 5.69 करोड़ हो गया, 5.69 करोड़। ईपीएस 2 रुपए 2 पैसे से बढ़कर 3 रुपए
99 पैसे 90 पैसे हो गए, 3 रुपए 90 पैसे। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं, इससे अच्छे रिजल्ट्स क्या होंगे, अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष में सेल ग्रोथ CAGR 30% है, 3 वर्ष में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, 3 वर्ष में रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 18% है, 3 वर्ष में CAGR प्राइस ग्रोथ 227% है। रिजर्व 33 करोड़ के, बोरिंग 40 करोड़ की है, कोई ज्यादा कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर्स 72.87% है, पब्लिक 27.14% है। बहुत मजबूत फंडामेंटल्स हैं, कर्जा भी कंट्रोल में है। 52 वीक आज के दाम 640 रुपए है, 52 वीक हाई एंड लो 694 रुपए और 117 रुपए है। सेक्टर पी 41 है, लेकिन इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रखा है, जबकि यह है रिन्यूअल एनर्जी का शेयर है, इसलिए पी तो ठीक है। यह शेयर मैनीफोल्ड प्रॉफिट दे सकता है। देखिए, किसी भी शेयर में करेक्शन सामान्य बात है, दीर्घ काल समय के लिए रखिए, 3 महीने में 75%, 1 वर्ष में 383%, 3 वर्ष में 3560% का रिटर्न है। एक फॉरकास्टिंग कंपनी तो 1 वर्ष में 1456 रुपए तक का लक्ष्य दे रही है और 3 वर्ष में 5 वर्ष में 4860 रुपए का। बहुत अग्रेसिव फॉरकास्टिंग है। हमारी टीम का अनुमान है यह 2 साल में 1400 रुपए तक जा सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अब हम, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी पेनी शेयर तो अट्रैक्ट करते होंगे। तो आज हमने एक पेनी शेयर लिया है। पेनी शेयर 100% रिस्की होते हैं और स्वयं से जांच करके बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बात करेंगे तरानी इंटरनेशनल, तारनी इंटरनेशनल लिमिटेड, TARANI तारनी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के शेयर की। तारनी इंटरनेशनल लिमिटेड विद्युत उत्पादन प्रशासन और वितरण तथा अन्य EPC अनुबंधों में ट्रंकी ठेकेदारों और परामर्श के व्यवसाय में कार्यरत है। बाजार का आकार 21 करोड़ है, कीमत 16 रुपए है, 52 वीक हाई एंड लो 19 रुपए और 5 रुपए है, बुक वैल्यू 20 रुपए है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.93% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.57% है, डेट टू इक्विटी 0.2 है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी प्रॉफिट में है, प्रमोटर होल्डिंग 69.39% है, 1 मंथ में 24%, 1 साल में 145% की रिटर्न है। तारनी इंटरनेशनल ने सुपर रिजल्ट्स दिए हैं। कम मूल्य का मल्टीबैगर शेयर है, कम से कम 1 वर्ष देखना चाहिए। यह उड़ान भरने को तैयार है, 21 रुपए के लक्ष्य के लिए आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, अगर आपको कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप अप्रिशिएट कीजिए और आप अपने समय निकालकर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।